जनाब, जब एक स्टूडेंट दिन भर प्रोफेसर के पोथे, लैब असिस्टेंट की गालियां और लड़कियों के फ्रेंड जोन झेल के हॉस्टल वापस आता है तो उसे जरूरत होती है दो घूंटों की। वो दो घूंट जिंदगी के, और वो दो घूंट चखने के बिना बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे फोरप्ले के बिना सेक्स। तो ये केस है मेरे इन तीन मासूम लौंडों की, जो सेमेस्टर खत्म होने की रात अपना दम बुला रहे थे तब उनके साथ एक हादसा हुआ। लेकिन इस कंफ्यूजन की सजा मेरे क्लाइंट को तो नहीं दी जा सकती है योर ड्यूटीज। और रही बात इन मासूम लौंडों की, माय डीपेस्ट सिंपैथीज, पर क्या करें, एक पार्टी में चखना और सॉफ्ट ड्रिंक्स नॉन अल्कोहलिक्स के सामने खुला रखेंगे तो दारू नीट मारने का रिस्क तो रहेगा। रेस्ट I leave to your blunt sense of judgment. Anji Tyagi ji, your submission. Janab, aaj pehli baar main Rajpal sahab se agree karta hu. Non-alcoholics ke saath party karenge to chakna khatam hone ka risk to. Par main Rajpal sahab se puchna chahunga, in fact, yahan baithe sabhi se puchna chahunga, आपसे पूछना चाहूंगा कि ये लोग जो अक्सर हॉस्टल के कमरों में बैठ के दारू पीते रहते हैं, कौन हैं ये लोग, कहां से आते हैं? इनके पास ना 5 के ऊपर जीपीए है, ना ट्रेनिंग्स है, ना इंटर्नशिप्स है,
ना बंदियां हैं, फिर क्यों चले आते हैं ये हम जैसे टैलेंटेड लॉन्डो के बैच में अनप्लेस्ड लॉन्डो का नंबर बढ़ाने? क्यों जनाब? पर इन भूखे नंगे लॉन्डो के पास भी ना एक चीज का हक है जनाब, और वो है चकना। और ये हक ना राजपाल साहब इनसे छीन सकते हैं, ना आप, ना ये कोर्ट, क्योंकि ये हक इन्हें देता है अपना ब्रो कोड देसी वाले। और जब कभी इनके चकने की बात आती है ना जनाब, कैंटीन के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, इन्हें हॉस्टल के चक्कर लगवाए जाते हैं, गरम कोल्ड ड्रिंक दी जाती है, वादे किए जाते हैं, भरोसा किया जाता है, लेकिन चकना नहीं जनाब, चकना नहीं दिया जाता। दारू की पार्टी में अकेले घुसा हुआ नॉन अल्कोहलिक एंड वेजिटेरियन सुपर शुक्ला, नॉन अल्कोहलिक एंड वेजिटेरियन, जो चार लॉन्डो का चकना अकेले खत्म कर गया। और राजपाल साहब कह रहे हैं इज इट अ जोक? नहीं जनाब, जोक क्या है मैं बताता हूं आपको। पिछले 3 साल से चकना खाते हुए ये लॉन्डा पीनट से कुरकुरे तक आ गए, अगला 1 साल ऐसे ही चलता रहा तो चिली पनीर तक पहुंच जाएगा, और अगला के साथ ही राजपाल साहब ये प्रूफ कर देंगे कि वो दारू पार्टी नहीं वेजिटेरियन लॉन्डो की ट्रीट थी। और लैक ऑफ लॉ के बिना पर आपको ये बात माननी ही पड़ेगी जनाब, दैट इज अ जोक, ये जोक है। चकना सिर्फ दारू पीने के लिए नहीं होता, यही कहा था ना आपने, पर राजपाल साहब चकना सिर्फ स्टार्टर की तरह खाने के लिए भी नहीं होता। रुकुर की बात करता है साला। जनाब फर्स्ट ईयर से सुनते आ रहे हैं कि जैसे कानून का हाथ लंबा होता है वैसे ब्रो का लंबा होता है, घंटा लंबा होता है। अगर लंबा होता है तो ये रहा सोबर शुक्ला आपके सामने, गांड मार लीजिए इसकी। जनाब इस कमरे के बाहर आपका मजाक उड़ाया जाता है, आपने कितनों को कंधा दिया है उसका हिसाब रखा जाता है, आपको शीघ्र पतन की बीमारी है ऐसी अफवाहें फैलाई जाती है, आपकी इज्जत खतरे में है जनाब, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए जनाब, कुछ कीजिए। और इन पे एहसान मत कीजिए, इन्हें बस इनका हक दे दीजिए जनाब, इन्हें इनका चकना दे दीजिए, बस यही कहना है जनाब। थैंक यू। फाड़ो सकती कांड फाड़ो सकती राजपाल लौंडा कतई मादक चोद है, जीडी में ले लेगा लौंडो की है क्या? तो अब हम केस पर आते हैं भाई। राजपाल एक बात तो मान, तेरे लौंडे से छुतियापा हुआ है। अरे अगर छुतियापा नहीं हुआ होता तो इतना बड़ा रंडी रोना नहीं है। इस कोर्ट में बैठा हर लौंडा जानता है कि पूरा कॉलेज सोबर शुक्ला जैसे लौंडों की वजह से परेशान है, इंक्लूडिंग मी। पर बिना पे तो मैं फैसला ले नहीं सकता, आज तक तो ऐसा ही होता है, पर आज नहीं, आज तो कतई नहीं। सो इन BIL नंबर 69 द ट्रायल हंड लॉन्डे वर्सेस सोबर शुक्ला, दिस कोर्ट फाइंड सोबर शुक्ला गिल्टी एंड सेंटेंसेस हिम 3 months of mess food. But your dubious, आप ऐसा judgment कैसे पास कर सकते हैं? Do you realize that this will not stand even for 2 minutes in the Supreme Court? वो तो आपका right है ना? आप Supreme Court जाओ, आप High Court जाओ, आप President के पास जाओ, जहाँ जाना है जाओ। राजपाल साहब, आज आपका लौंडा mess में खाना खाने जा रहा है, you may sit down. The court is adjourned. इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए हमें और आपको साथ आना पड़ेगा, इसे फैलाने के लिए। अरे पहले साउंड वाले को बुला के माइक सही करवाओ, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने नगर पालिका में भी बोले।